आपके पास ऑप्शन इसके अंदर दो हैं, या तो आप इसके जो बल्ब है उसको वाइट करवा लो, या फिर आप ये वाला DRL भी लगा सकते हो। इसके अंदर आपको पीछे AC वेंट मिल जाते हैं, आगे वैसे आपकी गाड़ी के अंदर आगे तो आते हैं डैशबोर्ड के अंदर, बट अगर आप आर्मरेस्ट वाला AC चालू कराना चाहते हो तो उसके लिए आपका ये वाला पाइपिंग यूज होता है। जो टॉप मॉडल के अंदर कनेक्टेड टेलन जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी इस गाड़ी को लेकर, क्योंकि इस वाली गाड़ी के अंदर ना आपको मिलती तो है लेकिन ये जलती नहीं है। यहाँ पर भाई जो कंपनी स्टेयरिंग दे रही है उसमें कुछ भी नहीं देती है भाई, बिल्कुल एकदम ना सिंपल स्टेयरिंग देती है, बट यहाँ पर आपका जो स्टेयरिंग है वो चेंज हो जाएगा और कुछ ऐसा टॉप मॉडल वाला लग जाएगा। भाई मैंने आपको दिखाई दी है फ्रंट वाली, तो कुछ ऐसी फ्रंट में भी लग जाती है। यहाँ पर भी आपकी किट लग जाती है जिसको हम डिफ्यूजर बोलते हैं, तो यहाँ पर ये देखो ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा इसके ऊपर। यहाँ पर कंपनी आपको ना साइड में सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं देती है, तो यहाँ पर आपकी साइड फिटिंग आपके पास है। आपकी गाड़ी का भाई रनिंग बोर्ड है और इसको हम कुछ ढकने के लिए ना कुछ ये वाली किट आती है जो कि फ्रंट और बैक की और साइड की आती है, तो ये अपनी साइड वाली है। ये है भाई इसकी स्टाइलिंग किट जो कि कंपनी आपको जो दे रही है ना वो कुछ ऐसा ब्लैक में देती है। आप चाहो तो अपनी गाड़ी को कुछ स्टाइलिश बना सकते हो। कंपनी पहले आपको कुछ ये वाला दे रही है मैट में, और ये देखो कुछ ऐसा लग जाएगा आपका, ठीक है, और इसके ऊपर अपने एंड्रॉयड स्क्रीन टिक जाएगा, ये देखो भाई ये लग जाएगा। ये अपने टॉप मॉडल का अलॉय व्हील है, कुछ ऐसा लग जाएगा, ये देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं हूँ ऑटो ड्रीम कार एक्सेसरीज पे करोल बाग में, और आज आपके सामने मैं दिखाने वाला हूँ आपको फ्रोन्स की मॉडिफिकेशन। तो ये कुछ फ्रोन्स है, और ये फ्रोन्स जो है वो पर्सनली ऑटो ड्रीम की ही है, और ये अपना बेस वेरिएंट इन्होंने परचेज किया था। एक बार इनसे मिलते हैं, उसके जितने भी पार्ट्स हम लोग लगाते हैं ना वो सारे पार्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कौन कौन से पार्ट हम लोग लगाने वाले हैं और मॉडिफाइड करने वाले हैं इस गाड़ी को। उसके साथ साथ आप लोग भी आ सकते हो इस शॉप पे अपने फ्रोन्स को लेके मॉडिफाइड कराने के लिए। यहाँ मिलते हैं भैया से, कैसे हो भैया? बस बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया सर, एक बार सर अपना नाम शेयर कर दो पहले। मेरा नाम संजय तिवारी है। संजय तिवारी, तिवारी जी एक बात बताइए, ये गाड़ी आपने परसों खरीदी है, ये कौन सा मॉडल है? ये बिल्कुल सिग्मा मॉडल है, जो लो मॉडल जो होता बेस है बेस मॉडल। तो क्या करने वाले हो आप इसके बाद? कुछ आया ऐसी रहेगा? नहीं नहीं, इसको पूरा टॉप मॉडल बनाऊंगा, पूरा टॉप मॉडल बनाऊंगा। टॉप मॉडल, तो टॉप मॉडल बनाने के लिए उसमें जरूरत पड़ती है एक्सेसरीज की जी। तो ये तो आपकी खुद की गाड़ी है, आपने जब शॉप वगैरह सारी चीज ओपन कर रखी है, तो आप कस्टमर्स के लिए क्या करना चाहते हैं? नहीं, सारे सामान हमारे पास उपलब्ध है कस्टमर के लिए भी जो भी। हाँ, तो एक एक करके आप मुझे दिखाओ सारी। ये देखिए क्या क्या चीज है। ये अलॉय व्हील हुआ, ठीक है, ये अलॉय व्हील हो गया। तो अलॉय व्हील ये अपना बिल्कुल जेन्युइन है, जो टॉप मॉडल पूरा जेन्युइन, जो मतलब कंपनी से टॉप मॉडल का लग के आता है वो, ठीक है। तो मतलब हमारे कस्टमर्स को ये भी मिलने वाला। हाँ जी, और ये इस गाड़ी में हम इंस्टॉल करके दिखाएंगे। जरूर जरूर सर। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रोन्स लवर है इस वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप फ्रोन्स की लगातार मॉडिफिकेशन देखना चाहते हैं। हाँ जी, तो आज से तो नहीं, आज ये गाड़ी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं लगाया ना हमने, अभी कुछ भी नहीं लगाया, जब से ये कंपनी से ऐसी खड़ी है पूरा वैसा। तो भाई बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, और अपनी मुश्किल से मुश्किल 2-3 दिन इस गाड़ी को हुए हैं अभी लिए हुए, और यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के लिए रोक के रखा हुआ था कि कब हमारी जो सीरीज है पूरी हो जाए, एंड देन हम यहाँ पर आप लोगों के साथ साथ इस गाड़ी को भी मॉडिफाइड कर सके आप लोगों की गाड़ी के साथ साथ। तो एक एक करके आपको सारी एसेसरीज से पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। यहाँ मेरे साथ दूसरे भैया जी, कैसे भैया? अच्छे। एक बार भैया नाम शेयर कर दो आप। इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है? इसके बाद ये मार्केट में सारी, ठीक है। ये ORVM हुआ आपका, ये ऑटोमेटिक वाला, ऑटोमेटिक वाला जो टॉप मॉडल में आती है वो। अच्छा, तो मतलब ये अपना फोल्ड भी होगा, फोल्ड भी होगा पूरा। तो भैया ये जो अपना मिरर है ये ऑटोमेटिक जब हम इंस्टॉल करेंगे गाड़ी के अंदर तो कुछ वायर वगैरह कटेंगे? नहीं नहीं, वायर वायर कटने का कोई वो नहीं। अच्छा, कपलर टू कपलर होगा, कपलर टू कपलर होगा। और जैसे इसको चलाने के लिए कैसे चलेगा ये? जैसे जो दरवाजे में जो होता है स्विच वहीं से चलेगा, वहीं सेम जगह, सेम जगह। बहुत बढ़िया। तो भाई ये आपके लिए टॉप मॉडल का मिरर भी अवेलेबल है, जो आपकी गाड़ी के अंदर बेस मॉडल में नहीं आता, तो उसको आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है ना। ये आपका ऑटोमेटिक वेरिएंट है, पूरा ऑटोमेटिक लग जाता है। इसका प्राइस जो है वो मैं अगली वीडियो के अंदर रिवील कर देंगे हम सारे प्राइस, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, हमारे पास सामान ही इतना है, ऊपर से गाड़ी भी हमने दिखानी है। और क्या है भैया? ये हो गया टेल लाइट, टेल लाइट फुल स्टॉक अवेलेबल है जी जी। कितनी गाड़ी में लगा देंगे एक बार में? एक बार 10 गाड़ी में लगा देंगे। पक्की बात, पक्की बात। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपकी भाई जो टॉप मॉडल के अंदर कनेक्टेड टेलन जो कि बहुत ज्यादा फेमस है अपनी इस गाड़ी को लेकर, क्योंकि इस वाली गाड़ी के अंदर ना आपको मिलती तो है लेकिन ये जलती नहीं है, लाइट इसमें चलती नहीं, वो नहीं तो डमी होता है, वो डमी होता है। और यहाँ पर आपको ये चीज चेंज हो जाती है, और किस प्राइस में होगी ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये जो टेल लाइट अभी है इसके अंदर कुछ और भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे इंडिकेटर वगैरह कुछ? नहीं नहीं, इंडिकेटर नहीं है, मतलब पार्किंग और रिवर्स का ही है। पार्किंग और रिवर्स ही है, तो मतलब ये कुछ पार्किंग पे हम जैसे ऑन करेंगे अपनी पार्किंग, ये ऑन हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो पूरी कनेक्टेड टेल लैंप जो है वो उसकी ऑन हो जाएगी। हाँ जी, ये बढ़िया चीज है। और साथ में ये रिवर्स वाला ऑप्शन छोटा सा इसके अंदर, क्योंकि गाड़ी में भी मिलता है आपको पूरा बड़ा,
जो साइड वाली टेल लाइट में दिख रहा होगा, और वो थोड़ा सा आपका इसमें भी आता है कनेक्टेड टेल लैंप पे। और क्या भैया? और ये रिफ्लेक्टर हुआ जो आपका मतलब, अच्छा जो बंपर में हम नीचे बंपर का जो नीचे लगेगा। हाँ जी, बढ़िया बात है। तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं? ये अपना इंडिकेटर, पार्किंग, सब पे काम करता है? सब पे करेगा। बहुत बढ़िया। तो ये देख लो भाई, इसमें डिजाइन कौन कौन से मिल जाएंगे भैया? इसमें कई डिजाइन है, अच्छा तीन चार डिजाइन है, वो आ जाता है। सारे डिजाइन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, मतलब कोई भी भाई हमारा लगवाने के लिए आ रहा था, उसके बाद ये वाला ऑप्शन तो है ही। वैसे सबसे अच्छा मेरे को यही वाला ऑप्शन लगता है, तीर वाला। बाकी आप लोगों के लिए अदर ऑप्शन भी अवेलेबल है। और क्या क्या अवेलेबल है भैया अपने पास? और भैया ये दरवाजे का स्टाइलिंग किट है जो पूरा सेट आता है कंप्लीट। ठीक है, तो ये अपना वाला है जो मेन अपना डोर होता है उसका जो पावर विंडो वाला ऑप्शन है ना। हाँ जी, तो ये पूरा लग जाएगा आपका, कंप्लीट सेट आता है। कितना बढ़िया लग रहा है। क्या क्या होता है इसमें? ये देखिए, ये पीछे का है, ये पीछे दरवाजे का, पीछे वाले दरवाजे का, ये सिंगल वाला जो डोर अपना आता है वाला है। मतलब सारे दरवाजे आपको ऐसे मिल जाएंगे। इसमें एसी वेंट भी आता है ना, अपना एक एसी वेंट आता है वो कुछ ये वाला है। ये देखो तो भाई, ये आपके दोनों एसी वेंट का हो गया। सेंटर कंट्रोल वाला पार्ट भी आता है इसमें, एसी वाले ही वो हो जाता है, और एक अपने ये वाले हो जाते हैं ना। तो ये पूरी स्टाइलिंग किट है, मतलब इधर से उधर तक चारों तरफ के लिए कवर कर देता है। ये बढ़िया चीज़ है भाई। इसके अलावा और क्या भैया? इसके बाद ये साइड बीडिंग है। अच्छा, ये देखिए, ये एक तो ये आता है जेनुअन है, जेनुअन है ये। ठीक है, तो ये मतलब ये जितने ही पार्ट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ना भाई, ये सारे के सारे नेक्सा जेनुअन पार्ट है। और ये जो स्टाइलिंग किट मैंने आपको दिखाई है, ये वाली भी आपकी देखो जेनुअन नेक्सा एक्सेसरीज लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद ये वाला आपको मिलता है क्रोम में, है ना, ब्लैक एंड क्रोम में मिल जाता है, और ये रेड में मिल जाता है ना भैया, तो दोनों में मिल जाएगा। ये देख लो भाई, अवेलेबिलिटी अभी इनके पास दोनों की है, तो आप दोनों में से कोई भी आके लगवा सकते हो। हमारे पास नेक्सा की स्किल प्लेट है, आगे ये बैक वाली है, ये बढ़िया है भाई। ये देखो, इसमें आपको रेड रेड ये भी मिल जाता है, क्योंकि इसके कई सारे पार्ट ना रेड होते हैं, जैसे साइड बीडिंग अपनी रेड लगा लो, है ना। और एक अपनी ये भी आती है ग्रिल वाली गार्निश जो आती है, ये भी इसके साथ मैच कर जाएगी, है ना, ये इसके साथ मैच कर जाएगी अगर हम लगाते हैं, है ना। ये बढ़िया चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा ये जो पार्ट हम दिखा रहे हैं नेक्सा जेनुअन, इसमें आप लोग मतलब डिस्काउंट वगैरह का क्या सीन है? हमारे भाई लोग जो आएंगे उनके लिए क्या डिस्काउंट है? 25% डिस्काउंट है। हाँ भाई, ये चीज़ देखो, ये अपना नेक्सा जेनुअन स्टेयरिंग है ना, तो ये अपना टॉप मॉडल वाला स्टेयरिंग है भाई, कुछ ऐसा। ये देखो, इसमें भी एक क्रूज कंट्रोल भी है, और साथ में आपका वॉल्यूम बटन भी है, सारे बटन है ना। हाँ, और यहाँ पर आपको जो फ्रॉन्स लगा के देती है ना, जो वो नेक्सा फ्रॉन्स में आपको ये चीज़ जो आती है पियानो वाली, ब्लैक आती है। वैसे पहले यही सेम स्टेयरिंग आपको कुछ मिलता था, वो मिलता था कुछ ऐसा, तो लोग उसको ब्लैक करा के भी लगा लेते हैं, लेकिन भैया के पास जो है वो बिल्कुल जेन्युइन पार्ट अवेलेबल है, तो ये चीज़ बढ़िया है भाई। इनका प्राइसिंग की बात फिर से हम बाद में कर लेंगे, जब पूरी गाड़ी वगैरह दिखाएंगे, एक एक करके जैसे सामान लगाएंगे एक एक करके हम इसका प्राइसिंग की बात कर लेंगे, है ना। तो ये दोनों के दोनों, दोनों ही नेक्सा जेन्युइन है, दोनों नेक्सा जेन्युइन है, और दोनों पे ही वही अपना 25% डिस्काउंट वाला सीन इस पे भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और क्या भैया? आज भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये अपना जेन्युइन आर्मरेस्ट। हाँ जी, ये आर्मरेस्ट है ये। ठीक है, ये इसके पास, इसके साथ आपको ये मिलेगा एसी का जो पूरा ओरिजिनल जो पीछे कंसोल में जो हवा आता है, ठीक है, वो भी, तो वो भी लग जाएगा। हाँ, वो पूरा आपको डैशबोर्ड उतार के ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, तो मतलब तरीके से लगता है, क्योंकि ये पूरा पाइपिंग है, तो आगे से पीछे तक पूरा लगता होगा। हाँ, ना हाउसिंग इसका, उसके बाद ही होता होगा। तो ये आपका जेन्युइन आर्मरेस्ट हो गया। इसके अंदर आपको पीछे एसी वेंट मिल जाते हैं, आगे वैसे आपकी गाड़ी के अंदर आगे तो आते हैं डैशबोर्ड के अंदर, बट अगर आप आर्मरेस्ट वाला एसी चालू कराना चाहते हो तो उसके लिए आपका ये वाला पाइपिंग यूज होता है। ये बढ़िया चीज़ है। उसके बाद इसकी जितनी भी एसेसरीज है ना, ये देखिए, मतलब एसी का ये है पीछे का जो। अच्छा, और नीचे ये चार्जिंग सॉकेट लगेगा यहाँ पे, वो लग जाएगा चार्जिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई ये अपना आर्मरेस्ट का भी, मतलब हर एक चीज़ इनके पास ना फुल्ली लोडेड वाली है, कि आर्मरेस्ट है तो उसके साथ मैंने आपको पाइपिंग भी दिखा दी है। टेल लाइट है तो वो पूरी की पूरी आपकी जो जेन्युइन होती है वो है, DRL है। इसके बाद भैया और कौन सा पार्ट है? ये हो गया आपका जो रनिंग बोर्ड के नीचे जो लगता है। अच्छा, हाँ, ये जेन्युइन, तो मतलब ये अपने चार पार्ट आते हैं, फ्रंट के, बैक के, और दोनों साइड हो गए, है ना। तो रनिंग बोर्ड कम्प्लीट सेट हो जाएगा ये चारों, तो ये भी हम लगाएंगे ना। बिल्कुल, इस गाड़ी को पूरा टॉप बना के दिखाना, ताकि हमारे जितने भाई लोग हैं उनको पता चले कि एक्चुअल में गाड़ी में लगता है। और इसको हम एक तरीके से ना फ्रोन्स की डेमो कार बना देंगे। जी जी, यहीं पे खड़ी देखेंगे और भाई आएंगे उनको यहीं साउंड सुनाओ। इसके अंदर साउंड से याद आया कि आपने साउंड में स्पीकर वगैरह कौन सी यूज करने वाले हो, एंड्रॉइड वगैरह क्या लगा रहे हो, कौन कौन से अवेलेबल है अपने पास? स्पीकर कई तरह का है सर, जैसे हो गया इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, DD का हो गया आपको, मतलब JBL माइनर भी आपके पास, ब्लू पंक हो गया, अल्पिन का हो गया। और हाई एंड सिस्टम लगाना है तो मतलब सही एम्पलीफायर वगैरह लगाते हो बढ़िया, तो उसमें आपको सिस्टम ये ब्लू पंक का भी है, अच्छा हाइपरसोनिक का है, ठीक है, तो मतलब उनके लिए थोड़े एक तमीजदार वाले एंड्रॉइड वगैरह लगाया जाए।
और सिस्टम लगाया जाए ताकि आवाज जो आए निकल के बढ़िया है। जी जी। और अगर एंड्रॉइड की बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीज अवेलेबल है, जो हमारे प्लेयर हम स्टीरियो लगाते हैं उसमें क्या क्या अवेलेबल? ये 4GB है, ये 4GB सपोर्टेड है, ये इसमें 360 सपोर्टेड है। अच्छा, 360 सपोर्ट करेगा आपका। और ये अपना जो फ्रेम है वो ओरिजिनल अपना वही है जो इस गाड़ी में लगेगा, जो आता है पियानो में? हाँ जी, इसमें आपका जो एसी वेरिएंट आता है वो भी आएगा ओरिजिनल। तो ये काफ़ी बढ़िया भाई, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी लग रही है। वैसे तो इसके ऊपर अभी ये गार्ड से चढ़ रहा है, जब ये लग जाएगी तो गार्ड हटा देंगे मेरा ना, तो स्क्रीन आपको दिख जाएगी। ये 9 इंचेस की डिस्प्ले है आपकी, इसके अंदर आपको 360 बर्ड व्यू भी मिल जाता है, जो कि आपकी गाड़ी के अंदर एक फ्रंट में कैमरा लगता है, एक पीछे कैमरा लगता है, दो साइड मिरर में कैमरे लगते हैं और आपकी गाड़ी ऐसे दिखता है जैसे चारों तरफ कोई देख रहा है आपकी गाड़ी को ना। हाँ जी, बढ़िया। और क्या क्या भैया अवेलेबल है अपने पास? और भाई यहाँ पर अपने पास अवेलेबल है ये LED है। जी हाँ, LED है। कितने वाट की होती है LED हमारे पास? मिल जाएंगे सर 130 से लेकर 240 वाट तक। अच्छा, 130 से 240 तक। अच्छा, बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगी। इनका ना अप्रॉक्स प्राइस क्या होता होगा भैया? अप्रॉक्स मतलब 3500 से लेके स्टार्टिंग होता है इसका प्राइस, 35। अच्छा, और आप 7000 तक लगवा सकते हैं। 7000 तक लगवा सकते हैं। तो 3500 कोई लो बजट में भी आती है भी अपने पास? 2000-2500 वाले किसी भाई का अगर मन ना करे कि मिल जाएगी, आपके मार्केट मिल जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन आप बता रहे हो क्वालिटी वाला जो अपने पास वो 3500 से स्टार्ट होता है, जो अच्छी ब्रांड की मिलेगी वो 35 से, रोशनी भी अच्छी आएगी, अच्छी वो 3500 से स्टार्ट हो जाती है, वो बहुत बढ़िया बात है भाई। और इसमें फॉग लाइट तो अपनी इस गाड़ी में आती नहीं है। जी नहीं। हेडलाइट की बात करें तो भैया जो आपका क्या कहना है कि आप टॉप मॉडल की हेडलाइट लगाओ या उसी हेडलाइट में एलईडी लगा लो? नहीं, टॉप मॉडल का एलईडी लगा, हेडलाइट लगाओ। आपका क्या कहना है कि मतलब टॉप मॉडल की जो हेडलाइट आती है या तो आप वो लगवाओ या फिर बेस मॉडल के अंदर ही एलईडी लगवा लें? एलईडी भी लगवा सकते हैं आप, एलईडी भी बेटर होगा। अच्छा जी हाँ, अच्छी क्वालिटी की लाइट मिल जाएगी आपको और सस्ते भी पड़ेंगे, सस्ते भी पड़ेंगे। आपको हेडलाइट वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चेंज भी कर सकते हो, हमारे पास उपलब्ध है, मिल जाएगी आपको। अगर कोई भाई हमारा चाहता है बिल्कुल टॉप मॉडल बनानी है तो आप उसमें टॉप मॉडल वाली हेडलाइट ही लगा दो। जी, लगा देंगे, लगा देंगे। बहुत बढ़िया। और क्या क्या चीज़ अवेलेबल है अपने पास? एम्बिएंस लाइट वगैरह। अच्छा, एम्बिएंट लाइट भी अवेलेबल है। तो भाई देखो, वैसे तो चीज़ें इनके पास ना, मैं आपको सही बताता हूँ, सारी चीज़ें ये K4 वाली है अपनी एम्बिएंट लाइट, तो ये आपकी सारी जगह लग जाती है, चारों गेटों में, पैरों में, हर जगह लग जाएगी। लेकिन आपको बता दूं, देखो इतनी सारी चीज़ें तो ये ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने दिखा भी रखी हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, यहाँ पर तो पड़ा है इनके पास ये सारा का सारा सामान, जो कि बिल्कुल सारा नेक्सा जेन्युइन है। अलॉय व्हील की बात करूँ तो आपको 4 अलॉय व्हील यहाँ रखे दिख रहे होंगे, एक मैंने वहाँ रखवा दिया था, एक ये खुलवा दिया, बाकी ये डब्बे और रखे हुए और यहाँ पे भी आपको रखे दिख रहे होंगे। तो अप्रॉक्स 2 गाड़ी की तो उन्होंने यहीं रखे हुए हैं। और अपने पास कितनी गाड़ियों के अलॉय व्हील अवेलेबल होंगे? 10 गाड़ी के अवेलेबल है हमारे पास। 10 मतलब सारी चीज़ें 10 गाड़ी के पास अभी स्टॉक में अवेलेबल है, और जैसे जैसे यूज होती जाएंगी वैसे वैसे हम उसे लाते रहेंगे, काम करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। और छोटी छोटी एसेसरीज जितनी भी है वो इनके पास अवेलेबल है। अभी एक काम करता हूँ मैं आपको, जो मेरे भाई नए जो फ्रोनस खरीद रहे हैं ना, तो उसमें फ्रोन्स में क्या करते हैं, एक एक करके हम चीज़ें रख रख के दिखा देते हैं कि टेल लाइट जो लगती है वो कैसी लगती है, अलॉय व्हील लगता है तो कैसा लगता है, उसके बाद हम एक एक करके इसमें इंस्टॉल करके दिखाते रहेंगे आप लोगों को। और इन सभी प्रोडक्ट पे अपने को 25% डिस्काउंट मिलने वाला है, जितने भी जेन्युइन पार्ट्स हैं। जी हाँ जी। आफ्टर मार्केट में तो भाई देखो, जितने भी भैया ने बताया 4000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है एलईडी अपनी, और 4000 के बाद धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते वो जैसा चाहोगे वैसा मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं, सारी चीज़ इनके पास अवेलेबल है। आप कुछ भी चीज़ चेंज कराओ इस गाड़ी का, मैंने आपको लगभग सारी चीज़ दिखा दी, एक सीट कवर नहीं दिखाया बस। सीट कवर की बात करें, ये भी है सीट कवर कैसी कैसी क्वालिटी की है, क्या इसको रखवा दो पहले साइड में, अरे एक भाई नाराज होकर चला जाएगा जिसकी गाड़ी में नहीं लगेगा। सीट कवर आपको दिखाता हूँ, जैसे ये आइस ग्रे हुआ, अच्छा गाड़ी के कॉम्बिनेशन के हिसाब से वैसे उसका कॉफ़ी कलर का इंटीरियर है। अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। लगवाने को आप कुछ भी लगवा सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा बढ़िया रहेगा गाड़ी के इंटीरियर ब्लैक में रहेगा ना, गाड़ी के इंटीरियर के हिसाब से। हाँ, ये वाला अवेलेबल है, ये वाला ये बढ़िया लगेगा, लेकिन लोग ये बढ़िया कलर का ही आपने। हाँ जी, गाड़ी के कलर के हिसाब से भी लोग लगवाते हैं, जैसे सिल्वर कलर की गाड़ी हो तो उसमें ये लगवाते हैं। अच्छा ठीक है, ब्लू है तो ये लगवा ली, ब्लू ये भी अच्छा लगेगा इसके अंदर। हाँ जी, ब्लू वाला भी, लेकिन क्वालिटी सब सेम ही रहेगा। अच्छा, लाइफ टाइम वारंटी दूंगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कंफर्ट लेवल एकदम बढ़िया होगा। हाँ जी। प्राइसिंग की बात करें तो सीट कवर कितने से स्टार्ट कर दोगे आप लोग? 6000 से स्टार्टिंग है, 6000 से लेकर 20000 तक का सीट कवर, 6000 से लेकर 20000 तक का, क्योंकि क्वालिटी कुछ ऐसी होगी ना जी। और स्टीयरिंग कवर, स्टीयरिंग फ्लोरिंग होती है, फ्लोरिंग भी है, मैट भी है, GFX का मैट है। अच्छा, GFX वाला मैट भी अपने पास अवेलेबल है, तो ये रखा हो भाई, अगर आपने लगवाना तो GFX वाला मैट भी लगवा सकते हो। बिल्कुल ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें इनके पास तो अवेलेबल है ही, बाकी आप धीरे धीरे करके ना वीडियो में देखते रहोगे, एक एक करके हम इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन करेंगे और देखते भी रहना, साथ साथ में आप लोगों के लिए भी यही सारी चीज़ अवेलेबल है, तो कभी भी आप लोग विजिट कर सकते हो ऑटो ट्रेन पे, जो कि करोल बाग में अपनी शॉप है, नियर बाय करीम जसाराम हॉस्पिटल बैक साइड। अच्छा ठीक है। तो बाकी आप इनको ना, इनका साइड में नंबर आ रहा है, इनको कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ये आपको लोकेशन शेयर कर देंगे यहाँ की, डायरेक्ट आप लोकेशन पकड़ के सीधा शॉप पे आना और
गाड़ी का जितना भी होता है वो आप इंस्टॉलेशन वगैरह करा सकते हो। तो भाई ये कुछ गाड़ी है अपनी, और इस गाड़ी के अंदर ना ये सिग्मा मॉडल है, इसके अंदर कुछ ऐसे वाले टायर आपकी गाड़ी के अंदर आ रहे होंगे, या तो आप शोरूम पे देख चुके होंगे या जिस भी भाई की डिलीवरी हो चुकी है उनकी गाड़ी कुछ दिखने में ऐसी ही लगती है। तो ये अपने टॉप मॉडल का अलॉय व्हील है, कुछ ऐसा लग जाएगा। ये देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है, अगर मैं साइड से दिखाऊं तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो कि आपने वहाँ पर अल्फा वेरिएंट में, डेल्टा वेरिएंट में, इन सब में गाड़ियों में देखा होगा आप लोगों ने। इसके बाद अगर बात करते हैं तो भैया के पास यहाँ पर है इसका फ्रेम, तो ये देखो ये एंड्रॉयड है, ये फ्रेम है। यहाँ की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर कंपनी पहले आपको कुछ ये वाला दे रही है मैट में, और ये देखो कुछ ऐसा लग जाएगा आपका, ठीक है, और इसके ऊपर अपने एंड्रॉयड स्क्रीन टिक जाएगा, ये देखो भाई ये लग जाएगा। तो हम अभी इसको सिर्फ रख के दिखा रहा हूँ मैं सारी चीज़ें आप लोगों को, ताकि जब हम फिट करेंगे तो अलग से एक एक वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को दिखाते रहेंगे। ये है भाई इसकी स्टाइलिंग किट, जो कि कंपनी आपको जो दे रही है ना वो कुछ ऐसा ब्लैक में देती है। आप चाहो तो अपनी गाड़ी को कुछ स्टाइलिश बना सकते हो। ये आपको पियानो मिल जाता है और साथ में आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जो कि नेक्सा जेन्युइन पार्ट है। सही है ना भैया? सही है, सही है। ये बिल्कुल ओईएम फिटिंग वाला है ना, मतलब खट ऐसी निकलेगा और ऐसी लग जाएगा, कुछ ऐसा टूटना नहीं, 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 कोई टूटने फूलने की बात नहीं है, जैसे लगाया वैसे ही लगेगा। ये वैसे ही लगेगा जी। ये इनर हैंडल अपना एक आता है क्रोम वाली है सर, वो भी अवेलेबल है, तो ये भी चेंज हो जाएगा ना अपना। जी चेंज हो जाएगा, ये निकल जाएगी, क्रोम वाली डल जाएगी इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई ये सारी चीजें आपकी गेट में मेनली यही होता है। आपकी गाड़ी का भाई रनिंग बोर्ड है, और इसको हम कुछ ढकने के लिए ना कुछ ये वाली किट आती है जो कि फ्रंट और बैक की और साइड की आती है। तो ये अपनी साइड वाली है, ये कुछ ऐसे लग जाएगी ना, और बिल्कुल ओईएम फिटमेंट के साथ आती है। इसके अंदर ना कुछ आपको यहाँ पे लॉक मिलते हैं, सही कह रहा हूँ भाई? बिल्कुल लॉक मिलते हैं, और ये लॉक लग जाएंगे इसके अंदर, कहीं आपको कोई चिपकाने वाला आइटम नहीं, सीधा लॉक लगाओ और ऐसी कुछ गाड़ी आपकी लगेगी, बढ़िया लग रही है। यहाँ पर कंपनी आपको ना साइड में सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं देती है, तो यहाँ पर आपकी साइड विडिंग आपके पास है जो कि आपके क्रोम में और रेड में अवेलेबल होती है। तो ये तो कुछ क्रोम वाली है जो कि आपकी साइड में कुछ इस तरीके से लग जाएगी और गाड़ी आपकी साइड से सेफ हो जाती है। उसके बाद एक अपने पास ये रेड वाली भी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाता है, बाकी आप जैसा भी इंटीरियर करवा रहे हो उसके हिसाब से आप इसको इंस्टॉल करा सकते हो। यहाँ पर बैक साइड में ना आपका कुछ ऐसा मिलता है, आपको पहले ये सिल्वर वाला पोर्शन, लेकिन यहाँ पर भी आपकी किट लग जाती है जिसको हम डिफ्यूज़र बोलते हैं। तो यहाँ पर ये देखो ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा इसके ऊपर, कुछ भाई ऐसे लग जाएगा आपका। तो कुछ अगर लुक है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है आपकी गाड़ी की, कुछ ऐसी लग रही है, आप देख लो। मतलब अलग गाड़ी से, मतलब अदर गाड़ी से ना आपको थोड़ी सी ना हटके लगेगी लुक, और ये कोई कहीं ना कहीं आपके बम्पर को भी सेफ करता है। अगर बाई चांस आपकी गाड़ी में कभी बम्पर पे कुछ स्क्रैच या कुछ भी होता है तो पहले ये टच होगा, आपका बम्पर सेफ रहेगा, तो लॉन्ग टाइम के लिए आपके जो बम्पर है ना वो बचा रहेगा। यहाँ पर भाई जो कंपनी स्टेयरिंग दे रही है उसमें कुछ भी नहीं देती है भाई, बिल्कुल एकदम ना सिंपल स्टेयरिंग देती है, जिसमें ना तो कोई बटन होता है, सिर्फ आपका ये ना सिर्फ हॉर्न ही बजता और कुछ भी नहीं बजता। बट यहाँ पर आपका जो स्टेयरिंग है वो चेंज हो जाएगा और कुछ ऐसा टॉप मॉडल वाला लग जाएगा। आप चाहो तो कुछ ऐसा लगवा सकते हो, या फिर आपका जैसा एक कलर है इसी कलर में आपका एक दूसरा स्टेयरिंग आता है जो कि इससे थोड़ा सस्ता ही पड़ता है आपको, आप चाहो तो उसको वाला भी लगा सकते हो, पियानो ना लगवा करके, जो कि पहले बलिनो वगैरह में लग के आता था, बट जो ज़्यादातर लोग हैं वो फ्रोन्स के मामले में यही वाली चूज़ करते हैं। तो आप अगर इसको लगवा लोगे तो कुछ ऐसा फील आएगा आपको, ये देख रहे हो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब सारे ऑप्शन वगैरह आपको यहीं पर मिल जाते हैं आपके स्टेयरिंग पर ही, जब आप म्यूज़िक पैनल वगैरह लगाते हो। और यहाँ पर आपके सामने भाई आर्मरेस्ट, तो इस गाड़ी में आर्मरेस्ट का जो पोर्शन है वो कुछ ऐसा आता है, और ये चीज़ आपका ये वाला पूरा पार्ट हट जाएगा, उसकी जगह कुछ ऐसा आर्मरेस्ट लग जाएगा, ये देखो भाई कुछ ऐसा। तो ये बढ़िया चीज़ है भाई, आर्मरेस्ट लगने के बाद कुछ ऐसा कुछ रहेगा सिस्टम, तब आप हाथ वगैरह रख पाओगे, सामान रख पाओगे, इवन जो आपका एसी है जो फ्रंट में काम करता है ना वो आपका पीछे भी काम करने लग जाएगा। तो इसका जो भी अमाउंट होगा ना वो हम शेयर कर देंगे आपको। गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो कुछ आपको सिग्मा मॉडल में ऐसा वाला DRL मिलता है जो कि पीला जलता है। आपके पास ऑप्शन इसके अंदर दो हैं, या तो आप इसके जो बल्ब है उसको वाइट करवा लो, या फिर आप ये वाला DRL भी लगा सकते हो जिसमें आपका इंडिकेटर और वाइट दोनों जलता है ना, दोनों ही चलेगा। इसके बाद हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पे आपका हेडलाइट जो है, मेरे को ये वाला हेडलाइट सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है, इसको चेंज कराना बेकार है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को टॉप मॉडल वाली दिखा दूंगा, जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे ना देन हम आपको टॉप मॉडल वाली भी दिखा देंगे। उसके बाद इसका साइड मिरर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको जो साइड मिरर मिलता है वो कुछ ये नॉर्मल मिलता है, देखो इसको ना हाथ से ही फोल्ड करना पड़ता है, जो कि बंदे परेशान हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके नुकसान जो होते हैं वो भी है, आपको शीशा खोलना पड़ेगा, तब सेट करना पड़ेगा, तब ऐसे करके कुछ सेट होता है, बट इसकी जगह आपका ये ऑटोमेटिक लग जाता है, तो इसको आपको हाथ से धक्का देने की ज़रूरत नहीं है, बटन दबाया फोल्ड हो गया और वहाँ से नोब से एडजस्ट कर लिया पूरा ना, कपलर टू कपलर मतलब बात, जितनी भी LED DRL जो भी लगेगा कुछ कपलर टू कपलर ही होगा, कहीं कोई कटिंग नहीं, गाड़ी की वारंटी वगैरह कहीं वॉइड तो नहीं होगी? नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया। तो भाई ये इन्होंने ना आप लोगों के लिए एक पूरी गाड़ी का खर्चा कर दिया, तो मेरे हिसाब से इन पर ट्रस्ट करना बढ़िया रहेगा, बाकी आप लोगों को देख लेना भाई, जहाँ भी आपको ठीक लगता है वहाँ जाके काम करा सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस गाड़ी की पूरी मॉडिफिकेशन जो कि अपनी हो रही है भाई ऑटो ड्रीम कार एसेसरीज पर करोल बाग में,
दोनों साइड नंबर भी आ रहा है और मेरी वीडियो पे भी नंबर आ रहा है जो कि भैया का नंबर है। आप कॉल करके पता कर सकते हो क्या प्राइसिंग कितने की पड़ेगी। अगर आपको अच्छा लगता है भैया के पास विजिट कर सकते हो। ये अपनी DRL है और DRL में ना दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, एक आपका ये वाला आता है। भाई लास्ट जो आइटम है अपने पास वो है ये अपनी है ट्रे, पार्सल ट्रे, और पार्सल ट्रे के साथ कुछ ये आपको मिलेगा स्टीयरिंग नॉब। तो ये दो पार्ट और है, बाकी गियर नॉब ना, सॉरी स्टीयरिंग नॉब बोलोगे, ये है भाई आपका गियर नॉब। तो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं भैया के पास, बाकी इनके पास इस गाड़ी का सारा कुछ अवेलेबल है, जितना भी होता है, जितनी भी एसेसरीज गाड़ी की आ रही है वो सारी अवेलेबल है, चाहे वो जेन्युइन हो चाहे वो आफ्टर मार्केट हो। तो आप लोगों ने जो विजिट करना है वो करना है क्या, अपनी शॉप का नाम ऑटो ड्रीम कार एसेसरीज के नाम से भैया की शॉप है करोल बाग में, नंबर साइड में आ रहा है, आप लोग कॉल करो, एंटरटेन करेंगे बढ़िया करके आपको, और ऐसी गाड़ी के अंदर हम मॉडिफिकेशन जो भी लेके आने वाले हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि वो मिस हो जाएगी, और अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो वो आप मिस कर दोगे ना, बेकार ही है फिर। इससे अच्छा है कि आप सब्सक्राइब करो, डेली इसकी जो भी मोड आने वाले हैं वो आप लोग एक एक करके चेक करते रहोगे, चाहे वो हेडलाइट है, टेल लाइट है, साइड में इंटीरियर कुछ भी चीज़ है, इस गाड़ी को हम एंड लेवल बना देंगे जितना इस गाड़ी में बन सकता है, सब कुछ कर देंगे इस गाड़ी में, है ना। बाकी आप लोगों की जो भी गाड़ी आएगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो टेल लाइट की, चाहे वो हेडलाइट की, चाहे वो इंटीरियर की है, तो वो सारी चीज़ हम आपको करके देंगे, है ना। प्राइसिंग की भाई जो भी बात रहेगी एक एक करके जैसे जैसे आपकी गाड़ी आती रहेगी वैसे वैसे करके हम लोग आपको बताते रहेंगे कौन सी गाड़ी हमने कितने में रेडी करी, ठीक है। फिलहाल के लिए करते हैं वीडियो का एंड, भाई वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर कमेंट, और मिलते हैं फिर किसी एक नई फ्रोन्स के साथ या फिर इसी वाली की मॉडिफिकेशन के साथ। टिल देन पीस आउट।